वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये मेरा सेकंड हिंदी ब्लॉग। तो ब्लॉग में क्या होगा, रिलायंस में पेट्रोल ही नहीं मिलता है यार, कब से नहीं मिलता है। चलो आगे जाके देखते हैं कोई दूसरी जगह पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आज इसका माइलेज टेस्ट लेना है। क्यों लेना है माइलेज टेस्ट, ज्यादा पिएगा ही पिएगा तब भी लेना है, क्योंकि मेरे को करना है लॉन्ग राइड। एंड लॉन्ग राइड करने से पहले एक छोटी सी प्रिपरेशन करके रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा राइड करने से पहले जो प्रॉब्लम आता है वो है बजट एंड टाइमिंग। तो टाइमिंग तो मिल गया है मेरे को, लेकिन बजट अब ठीक करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने सोचा यासी एडवेंचर को 60 से 70 किलोमीटर अप्रोक्स चलाऊंगा फुल टैंकर, देन इसका माइलेज टेस्ट निकल के आएगा कितना माइलेज देता है यासी एडवेंचर, और उसी हिसाब से मिल जाएगा कितना खर्चा आएगा अपना यासी एडवेंचर में। चलिए आगे पेट्रोल पम्प मिलेगा, आई होप ये वाला एक पेट्रोल पम्प मिल ही गया, लेकिन पेट्रोल मिलेगा या ना मिले क्या मालूम, मतलब मिल जाएगा। इसको फुल टैंक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना माइलेज देता है। बस चलो फोन पे कर दी, वो करना पड़ेगा ट्रिप ए एंड बी को जीरो, ट्रिप ए 871 इसको जीरो, ट्रिप बी 8 इसको भी जीरो, ओडोमीटर 871। तो अभी इसमें फ्यूल आया है 9.97 लीटर और टोटल कॉस्ट आया 1058 रुपीज, मतलब 1059। फ्यूल अप कंप्लीट, फुल टैंक हो गया। टू आवर्स निकलना है, 70-80-90 किलोमीटर चलाना है, उसके बाद फिर से फुल टैंक करके मालूम पड़ेगा कितना इसमें माइलेज दे रहे हैं एंड कितना पी रहा है ये बाइक, उसके बाद लॉन्ग राइड करने में मजा आए। बाइक चला चुके हैं 15 किलोमीटर, ट्रैफिक में फंस गया है, लंबा ट्रैफिक है। सिटी में ट्रैफिक मिलता है, लेकिन हाईवे पे ट्रैफिक मिलता है, इतना ट्रैफिक है यार, रोड कंडीशन भी खराब है, इतना ट्रैफिक है मतलब लग रहा है कि टायर पंक्चर हो चुका है अपना, इतना रोड कंडीशन खराब है यहाँ के। सामने जाके थोड़ा बहुत ट्रैफिक क्लियर मिलेगा, क्योंकि सामने शुरू होने वाला है टू लेन। ये देखो शुरू हो गया टू लेन, इतना दूर तक ट्रैफिक लगा हुआ है। Even when you feel low, you can still go. खाली रोड मिल जाएगा सामने जाके, एज वेल एज इसको मैं क्रूज भी कर सकता हूँ 80-90 पे। एंड अब जाके खाली रोड मिला है एंड यहाँ पर 85-90-100 में क्रूज कर सकता हूँ इस रोड पे। सिर्फ मैं हाईवे पे राइड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत सिटी राइड भी हो जा रहा है, ट्रैफिक भी मिलता है, क्लच का यूज भी होता है, ब्रेक का यूज होता है। और अभी तक मैंने चला चुका हूँ बाइक को 26 किलोमीटर। अभी देख रहे हो कितना तेज भगा रहा हूँ अभी, 95 95। और खाली रोड मिले तो क्या हो सकता है। ये वाला भाई साहब को देखो यार, T20 लेके क्या कर रहा हूँ यार, पहले फोन में बात तो कर लो उसके बाद राइड कर लेना। क्रूज करने का टाइम मिल चुका है, मतलब क्रूज कर सकते हैं अभी। Even when there's no hope, you can still go. I never... कंफर्ट उतना पावर के साथ वाइब्रेशन भी फील नहीं हो रहा है अभी यासी एडवेंचर में। अभी तक मैंने इसको 38 किलोमीटर चला चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब खाली रोड मिल चुका है एंड आप लोगों को दिखाएंगे यासी एडवेंचर 100 क्रॉस करके एंड सब कुछ मिला के आज माइलेज टेस्ट करने वाले हम लोग। सब कुछ मिला के माइलेज टेस्ट होगा यासी एडवेंचर का, मतलब एक अलग सा माइलेज टेस्ट वाला वीडियो मिलेगा ये वाला आप लोगों को। ओके Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. अभी तक चल चुका है 56 किलोमीटर। हम लोग अभी तक 63.5 मतलब 63 या 64 किलोमीटर चला चुके हैं, और भी 40-50 किलोमीटर चलाएंगे। तकरीबन आज का किलोमीटर टारगेट रखा है हमने, 50 रखे थे पहले, उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं 100 चलाया जाए, तो 100 का टारगेट रखे हैं। अभी 63.7 मतलब और भी 37 किलोमीटर चलाने से 100 कम्प्लीट हो जाएगा। मैंने 77.6 किलोमीटर चला चुका हूँ, मतलब 78 किलोमीटर। किलोमीटर चल चुका है अपना बाइक।
102 किलोमीटर चला चुके हैं, तकरीबन 20-30 किलोमीटर चलाएंगे, फिर से रिफ्यूल करना पड़ेगा, उसके बाद अपना माइलेज निकल के आएगा। ये देखो यार, यहाँ लगा हुआ है ट्रैफिक, और इन लोग तो और भी जोर शोर से ट्रैफिक लगाने का कोशिश कर रहा है, देखते हैं कैसा काम करता है ऑफ रोडिंग ये वाला बाइक। काम तो अच्छा कर रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इजीली निकल पाए। मतलब कुछ भी यार, ये लोग लॉरी वालों एक भी जगह नहीं छोड़ते हैं, जो जहाँ से मिलता है उन लोगों को घुसा के रख देता है। देखो कैसे इन्होंने घुसा के रख दिया, पूरा रोड ही क्लोज करके रख दिया है। क्या मिलता है इनसे, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। देखो कितना सारा ट्रैफिक है भाई साहब, ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, बाद में मिलते हैं आप लोगों से। एक छोटा सा टिप ब्रेक के लिए रुके थे हम फड़क्का में, क्योंकि इतना ट्रैफिक था बैरेज के ऊपर, यहाँ रुक नहीं पड़ा, लेकिन इतना शॉर्ट ब्रेक लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। चाय वाय पी लिए, अभी निकल चुके हैं, अभी टाइम हो चुका है 4:17, इतना चला है अपना बाइक 107 मतलब 108 किलोमीटर चल चुका है, 8-10 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद माइलेज टेस्ट होगा। और एक बता दें आप लोगों को, इसमें तकरीबन मेरे को जो लगता है 25 से 30 तक माइलेज आएगा, 25 से 30 तक इसके बीच ही माइलेज मिलेगा मेरे को लगता है। 117 किलोमीटर चल चुका है एंड फाइनली वो टाइम आ चुका है जिस पेट्रोल पंप से मेरे को रिफ्यूल करना है, बस कुछ ही दूरी में है, वहाँ जाएंगे पेट्रोल रिफ्यूल करेंगे, बस निकल के आ जाएगा कितना माइलेज मिला मेरे को SD एडवेंचर में, एंड कितना खर्चा आएगा लॉन्ग राइड में वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सामने ही मिल जाएगा वो वाला पेट्रोल पंप, एंड एज वेल एज ट्रैफिक ज़्यादा है, अभी तक ट्रैफिक और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। अभी टाइम हो चुका है 4:27, एंड टोटल अपना बाइक चल चुका है 119.6 मतलब 120 किलोमीटर, एंड यहाँ पर ये वाला भारत पेट्रोलियम जो है यहाँ पर रिफ्यूल करना है। पेट्रोल पंप पहुँचते 120 किलोमीटर बन जाएगा, फिर आप पेट्रोल पंप फुल टैंक करके कितना इसमें पेट्रोल आता है, अभी फुल 500 बस, अभी पेट्रोल आया है 477 रुपीस का। पेमेंट कर देते हैं फोन पे में, तो फोन पे पेमेंट कंप्लीट हो गया। इसमें पेट्रोल कॉस्ट है 4.49 लीटर, और कितना किलोमीटर चला है वो देखना पड़ेगा, ट्रिप ऑन चेक करना पड़ेगा पहले। पहला ट्रिप बी 119.9, ओडोमीटर 991.1, ट्रिप ए 119.9 मतलब 120 किलोमीटर, ट्रिप बी भी 119.9 120 चला है, तो 120 कितना माइलेज होगा यार, चलो देख लेते हैं, कैलकुलेटर निकलते हैं। 120 डिवाइडेड 4.49 मतलब माइलेज निकल के आया है 27 का माइलेज। हाईवे पे आप लोगों को पहले बता चुके थे जब माइलेज आएगा 25 से लेकर 30 तक, वही आया, लेकिन बहुत बुरा माइलेज है। तो आप लोग कैलकुलेट करते हुए देखे हैं कितना माइलेज मिला मेरे को, 26 पॉइंट समथिंग मतलब 27 का माइलेज मिला। बाइक के हिसाब से देखा जाए तो माइलेज सही है, लेकिन हम जैसे राइडर के लिए ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि हम लोग तो मिडिल क्लास राइडर हैं एंड हम लोग चीप एंड बेस्ट में राइड करना पसंद करते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा वीडियो आप लोगों को। बाय बाय, टाटा।